दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, वीडियो पूरा देख लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये है सूरत से दोसवाड़ा जाने का रोड और हम जा रहे दोसवाड़ा डैम। सो हे वेलकम बैक गाइज, आज हम जहां पर विजिट करने वाले हैं उस प्लेस के बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूं मैप के थ्रू। तो सूरत से निकलने के बाद हमें बारडोली और उसके बाद व्यारा, सोनगढ़, दोसवाड़ा। तो ये है यहाँ पर दोसवाड़ा का लोकेशन, हमने फाइनली वहाँ पर विजिट किया था। और देखिए ये है यहाँ का लोकेशन। फिलहाल मैं आपको मैप्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। तो यहाँ पर पूरी वीडियो मैंने बनाई है डिटेलिंग में। तो यहाँ पर दोसवाड़ा में हमने दो प्लेस विजिट किए हैं, एक तो दोसवाड़ा डैम टूरिज्म पॉइंट और दूसरा हमने विजिट किया है दोसवाड़ा रजवाड़ी किलो। तो ये भी एक फेमस है फोटोशूट के लिए और यहाँ पर लोग अक्सर घूमने के लिए आते हैं और ये बहुत ही फेमस है। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो। चलिए ऊपर की तरफ चलते हैं, थोड़ा देखते हैं व्यू पॉइंट ऊपर चल के। तो वैसे तो यहाँ पर घूमने के लिए अच्छा है पर पॉइंट है वहाँ पर अगर आप आके बैठते हो तो आपको अच्छा लगेगा। और वैसे यहाँ पर लोकेशन तो अच्छा है यार, थोड़ा सा ऊपर है दोसवाड़ा डैम। तो देखिए ये मैं ऊपर आ चुका हूँ। वाह, तो ये है गाइस दोसवाड़ा डैम जहाँ पर मैं अभी विजिट किया है। देखिए पूरा लोकेशन और सामने मेरे फ्रेंड्स लोग भी है जो लोकेशन देख रहे हैं। कुछ ऐसा लोकेशन आपको देखने को मिलेगा दोसवाड़ा डैम का। और बाजू में ही आपको डैम दिखेगा जहाँ पर बहुत सारा पानी भी भरा है। देखिए इतना पानी है यहाँ पर। और ऊपर की तरफ आपको ये जगह मिल जाएगी जहाँ पर आप आराम से बैठ सकते हो और इस व्यू का मजा ले सकते हो गाइस। और हम जो आए थे वो रोड भी आपको यहाँ से दिख जाएगा। नीचे जो हमारी कार है ये वहाँ पर हमने पार्क कर रखी है। तो ये वही रोड है जहाँ से हम आए थे और यहाँ पर हमारी कार है पार्किंग की रखी है। और ये पूरा लोकेशन, देखिए लोकेशन कितना अच्छा है गाइस। ये है दोसवाड़ा। देख रहे हो जो बहुत ही अच्छा लोकेशन है ये वाला, यहाँ पर हम जाने की कोशिश करेंगे। हमें वहाँ पर आप अच्छे से फोटो क्लिक कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम जाएंगे, ये जो लोकेशन आप देख पा रहे हो। सो गाइज फाइनली ये जो दोसवाड़ा है वहाँ का जो लोकेशन है ये पूरा, एक ये व्यू है, दूसरा एक सामने मैंने अभी जाकर आपको दिखाया वो था। और एक दूसरा व्यू आपको मिलता है पानी का कि जो कि यहाँ पर पूरा डैम है वो भरा है। बट एक तीसरा जो व्यू है वो आपको यहाँ पर
अगर एज अ फोटोग्राफर आप घूमने आते हो या फिर शूट करने आते हो तो भी आपको ये जो पीछे मेरे पीछे किला है वो आप देख पा रहे हो, यहाँ पर है। सो गाइज, यहाँ पर पुलिस का कोई भी मतलब रोक टोक नहीं है, बस आपने अपनी सेफ्टी में आना है, मास्क वगैरह लगा कर रहना है और घूमना है, और कोई भी यहाँ पर रोक टोक आपको नहीं मिलेगी गाइज। सो पूरी तरह से आप बिल्कुल घूम सकते हो। ये यहाँ का डैम है गाइज। फाइनली हमने जो यहाँ का लोकेशन है इसकी वीडियो शूट कर ली है, चलिए आगे चलते हैं उस घर की तरफ और वहाँ का लोकेशन आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर हमने बहुत सारी फोटो एंड वीडियो क्लिक की है और बहुत सारी वीडियो भी शूट कर ली है। सो गाइज, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत भूलना गाइज। चलिए आगे चलते हैं। अभी हम गए थे ऊपर की तरफ, वहाँ पर अब जा रहे हैं नीचे की तरफ। एक और लोकेशन है बाजू में, इसकी साइड में, वहाँ पर एक्चुअली क्या है कि फ़ोटो शूट वहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप एज अ फोटोग्राफर है कुछ ही फ़ोटो शूट करना चाहते हैं तो वहाँ पर ज़्यादातर फ़ोटो शूट करने के लिए जगह फेमस है, और अभी भी मैंने देखा वहाँ पर ऑलरेडी लोग फ़ोटो शूट कर रहे हैं। सो वहाँ पर जाकर ही देखते हैं लोकेशन कैसा है, तो उसकी भी पूरी डिटेल आपको दिखा दूंगा वीडियो के अंदर। बने रहिए वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइज, सब्सक्राइब करना ज़रूरी है तभी मेरी हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आगे चले जाएंगे और यहाँ से जाएंगे। ओके, और आगे जाएंगे। और गाइस देखिए, इस तरह की आपको लोकेशन कुछ देखने को मिलेगी। ये है पुराना किला, काफी अच्छा है, देखिए ये है। और इस तरह का आपको लोकेशन अंदर देखने को मिलेगा जहाँ पर आप बहुत सारी फ़ोटो क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर अच्छे अच्छे शॉट भी आप ले सकते हो। देखिए यह है दोसवाड़ा, जहाँ पर है पुराना किला जिसमें आप बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो क्लिक कर सकती हो। आई थिंक ये पुराना टाइम का एक ऐसा खंडहर पड़ा हुआ है जिसे आप यूज़ कर सकते हो और जिसका यूज़ करके आप अपनी फोटोग्राफी बेहतर बना सकते हो गाइस। और यहाँ पर काफ़ी लोग एक्चुअली फ़ोटोग्राफी करने के लिए आते हैं, बहुत दूर दूर से भी आते हैं लोग इस किले में फ़ोटोशूट करने के लिए, तो ये फेमस है यहाँ का, ज़्यादा बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। और दूसरी जो चीज़ मिलेगी तो देखिए इस तरह का पूरा जो है, और हमने जहाँ से हम शूट कर रहे थे तो ऊपर की तरफ से हम शूट कर रहे थे, वहाँ पर जब हम थे तो वहाँ की वीडियो की भी आपको दिखा दी। और अब है ये नीचे की तरफ, और यहाँ पर इस तरह का भी आपको एक मिल जाएगा बैठने के लिए, तो वहाँ से भी कुछ क्लिक कर सकते हो आप ऐसे बैठ के। देखिए इस तरह का जो वहाँ से होता है इसका बनाया हुआ है, टेबल कुर्सी सारी चीज़ें बनाई हुई है, तो इसका भी आप यूज़ कर सकते हो। ये देखो तो कुछ इस तरह का बनाया हुआ है, वहाँ पर भी है इस तरह का, और ऑलरेडी यहाँ पर फोटोशूट हो रही है। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको, पूरा किला है ये दोसवाड़ा, जो व्यू पॉइंट है इसके बाजू में ही आपको मिलेगा। देखो इस तरह, तो ये है दोसवाड़ा का पूरा किला जहाँ पर आप फोटोशूट कर सकते हो, और बहुत सारी और भी चीज़ें अगर आप घूमने के लिए आते हो तो भी ये यहाँ पर ओपन ही होता है ऑल टाइम, तो आप आ सकते हो। और यहाँ पर पहले ही लोग शूट कर रहे हैं हमारे सेम सिटी से। ऊपर जाने के लिए आपको यहाँ पर से जा सकते हो आप, यहाँ से सीढ़ी, तो ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल है, और जैसे आप ऊपर जाते हो तो आपको यहाँ पर बस ऐसा ही लोकेशन देखने को मिलेगा,
और यहाँ पर आपको सेफ्टी से जो भी फोटोग्राफी करनी है या फिर मान लीजिए घूमना है तो आपने सेफ्टी रख के ही घूमना है यहाँ पर, क्योंकि ये बहुत ही पुराना किला है तो कभी भी फिसलन हो सकती है या फिर आप तो गिर सकते हो आप। तो यहाँ पर अगर ऊपर की तरफ आप फोटो खींचना चाहते हो तो काफ़ी अच्छा लोकेशन है, और पर्सनली जब आप फोटोशूट करते हो तो ऐसा लोकेशन बहुत ही आपकी इमेज है वो अच्छी निकल के आती है। यहाँ से नीचे जाने में थोड़ा सा कम आपको दिक्कत होगी, बट ऊपर आने में ज़्यादा दिक्कत है, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाला है। मैं आपको यहाँ पर रेट वगैरह की बात कर दूँ कि यहाँ पर अगर फोटोग्राफी करनी है तो यहाँ पर आपको एक डिस्क्रिप्शन मिलेगा जो आपने पढ़ लेना है। अगर शूटिंग करना है तो आपको 100 रुपये लगेगा, या फिर सुबह का टाइम क्या है, शाम कितने बजे तक आप वहाँ पर रह सकते हो, और फोटोग्राफी कैमरा के लिए उसने 100 रुपीज़ चार्ज रखा है। ये यहाँ का गेट है, मेन गेट जहाँ से आप अंदर जाते हो। सो गाइस, बाहर भी आप थोड़ी सी फोटो वगैरह अगर क्लिक करना चाहो तो कर सकते हो, लोकेशन काफ़ी अच्छा है। गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, फिर से मिलेंगे मजेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।